मैंने लिया है यहाँ पर 2 चम्मच चावल का आटा और साथ ही लिया है 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच ज्वार का आटा। और आप चाहो तो इसमें नॉर्मल गेहूं का आटा भी ले सकते हो, बट मैं ग्लूटेन फ्री बना रही हूँ इसलिए वो लिया है मैंने ज्वार का आटा। और साथ ही इसमें चीनी जो है मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाली है, थोड़ी अच्छा मीठा ही डाला है, इसमें सौंफ डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा। तो बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स, और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम जैसे बैटर होता है ना केक वाला वैसा बना लेंगे। और इसे अच्छी तरह से फेंटना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अच्छा फेंटेंगे ना उतना ही जो मीठे पकोड़े हैं उनके अंदर में स्पॉन्ज बनता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अच्छी तरह से मैंने हाथ से फेंट लिया, और हाँ इसे चम्मच से बिल्कुल भी नहीं फेंटना है, हाथ से ही फेंटना है, तभी इसमें अच्छी सी स्पॉन्जी स्पॉन्जी सी पकौड़े मीठे पकौड़े बनेंगे। बस ये बैटर तैयार है, और अब इसको चम्मच की मदद से इस तरह से बिल्कुल धीरे से ना तेल के अंदर में छोड़ देना है। तो ये बिल्कुल जैसे ना थोड़ा इसका जो टेस्ट होता है ना, मीठे पकोड़े तो है ये, बट इसका थोड़ा टेस्ट ना मुझे मालपुआ जैसा लगता है, खाने में बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और बच्चों के लिए मैंने ये बनाया है, तो देखिए इसको मैं पलट दे रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, मुझे इनका टेस्ट ना वाकई में एकदम मालपुआ जैसा लगता है। और बस इसी बीच आ गई हैं दीदी, तो गेट खोल दिया है मैंने, और जैसे ही बेल बजी है सूरज अंदर से आया। दीदी ने एक्चुअली 2 बार बेल बजाई, तो सूरज अंदर से आया और उनके साथ मस्ती कर रहा है, कह रहा है कि 2 बार हमारे घर की बेल बजाते हो आप और हमारे घर की बिजली जो है वो ज़्यादा वेस्ट होती है। लेकिन ये है कि दीदी कभी भी इस चीज़ को लेकर नाराज़ नहीं होती, बच्चे मस्ती करते हैं। तो ये यहाँ पर जो पकोड़े मैंने बनाए थे मीठे वाले, वो मैं 3 जगह सर्व कर रही हूँ, क्योंकि 2 तो बच्चे हैं और 3री हमारी दीदी आ गई है, तो थोड़ा सा उनको भी टेस्ट करा देती हूँ। और मेरा नाश्ता जो है वो तो पहले से ही ऑलरेडी हो रखा है, सुबह पहले ही हो जाता है। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, एकदम बिंदास हूँ। और बस बच्चों को नाश्ता दे दिया है, और दीदी आई हुई थी, दीदी को भी नाश्ता दे दिया है, और मैंने नाश्ता पहले ही कर लिया था मॉर्निंग में। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जब गए ना उसके पहले मैंने उनके लिए बनाया था उपमा, तो मैंने उपमा साथ में उनके खा लिया था। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं मॉर्निंग में अपने हस्बैंड के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, और बच्चे बाद में नाश्ता करते हैं, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं मेरे से और वो लोग अपने हिसाब से जब फ्रेश होते हैं तो उनको मैं नाश्ता देती हूँ। तो आज उनके लिए स्पेशली अलग से नाश्ता बनाना पड़ा। इसका रीज़न ये था कि उपमा जो है बच्चे खाते नहीं हैं, हितांश को पसंद नहीं है, और सूरज के वीट एलर्जी है, इस वजह से मुझे हमेशा कुछ ना कुछ उसके लिए अलग बनाना ही पड़ता है। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, उपमा में प्याज था वो मुझे भोग लगाना नहीं था, इसीलिए मैंने मीठे पकौड़े बनाए ताकि मैं लड्डू गोपाल को भोग भी लगा सकूँ और बच्चे भी शौक से खा लेंगे। तो बस क्योंकि अभी दोपहर का समय है और मैंने लाइट जला रखी है, क्योंकि आज मौसम जो है थोड़ा सा क्या है बादल बादल से हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब ठंड जो है ना ठंड ने दस्तक दे दी, अब ठंड शुरू होने वाली है। आप सोच रहे हो कि ठंड तो शुरू हो गई है, क्योंकि जो और दूसरी जगह नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ठंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अपने इन-लॉज से बात की थी, राजस्थान में तो बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है, तो वहाँ तो रजाई वगैरह सब ओढ़ने लग गए हैं, बट यहाँ अभी इतनी ठंड नहीं पड़ी है। बट हाँ आज जो है थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम नहाते वक्त भी थोड़ा ठंडा ठंडा सा फील हुआ, और आज बादल से थोड़े हो रहे हैं, तो इस मेरा जो रूम है उसमें अंधेरा थोड़ा रहता है, तो जब भी बादल से होते हैं तो थोड़ा मुझे लाइट वगैरह जलानी पड़ती है। तो आज close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... बेडशीट जो है चेंज हो गई है, और एक ना घर के अंदर में थोड़ा बहुत भी बेडशीट चेंज कर लेते हैं या थोड़ी बहुत हल्के फुल्के चेंज भी करते रहते हैं ना, तो क्या एक अलग सा थोड़ा घर में थोड़ा भी चेंज हो तो बड़ा अच्छा सा लगता है।
और अभी तो मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि सूरज के एग्ज़ाम एग्ज़ाम के चक्कर में ना मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे खुद के एग्ज़ाम है, क्योंकि मेन मेरे पे प्रेशर ज़्यादा है इसलिए लाइट बहुत कम आ रही है। मेन मेरे पे सूरज के एग्ज़ाम का प्रेशर इसलिए आ गया ना क्योंकि वो सिर्फ साइंस और मैथ्स ही ट्यूशन पढ़ता है, बाकी जो और सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है जो कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है या फिर इंग्लिश वगैरह है, टोटल चीज़ें मैं ही उसको पढ़ा रही हूँ शुरू से ही। तो अभी भी मैं ही उसको देखती हूँ, ये कुछ एक्सप्लेन करना होता है या कुछ भी ज़रूरत होती है, उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं उसको उसके साथ रहती हूँ। तो इस वजह से क्या ना मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है इसके एग्ज़ाम के चक्कर में, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ व्लॉग को भी। इवन मेरा जो फर्स्ट चैनल है उस पर भी मुझे लगता है शायद उस पर तो पिछले 10-12 दिन से कोई वीडियो गई ही नहीं है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके ऊपर भी वीडियो डालूँ क्योंकि किसी जब कोई चैनल स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा उसको भी देखना बहुत जरूरी है। दवाई डाल दी है और नीचे है ना हम लोग सब, मेरा दोस्त के मोबाइल में हम देख रहे थे उधर एनिमल रेस्क्यू टीम होता है ना, हम लोग देखे अभी एक तो मिला वो आसनसोल का, मैं बोले आप कैलकटा में देखिए, तो कैलकटा में अभी तक तो हमको नहीं मिला। मैं भी अभी थोड़ा देखूंगा कैलकटा का कौन सा एनिमल रेस्क्यू टीम होगा, अगर मिलेगा तो उसको कॉल करके हम लोग बताएंगे। यहाँ पे है तो एक उत्तरपाड़ा में है, इसको छोड़ दो। उत्तरपाड़ा में है? हाँ मैंने सुना, पापा जानते हैं, पापा को पता होगा। तुम पहले ये बताओ कि उसको डिटॉल लगाया? हाँ डिटॉल लगाया उसको। चिल्ला रहा था क्या? ज्यादा नहीं कर रहा, जो कर रहा है फिर क्यों कर रहा है, बच्चा है छोटा, फिर ठीक हो गया। छोटा भी नहीं है 2 महीने, वो छोटा ही हुआ है, कुत्ते के लिए छोटा नहीं है क्योंकि वो लोग 2 महीने में भी बड़े हो जाते हैं। पर डिटॉल डाल दिया ना, कल फिर एक बार डाल उसके डाल देना, वो कीड़े मर जाएंगे ना तो ठीक हो जाएगा। फिर हल्दी लगा दी, फिर एक कॉटन में हल्दी को लगा के सोच रही। पता है किससे पूछोगे? वो जो एक नहीं है जो पेट डॉग के जो डॉक्टर है, मलाई अंकल, वो सही चीज बता सकते। हितांश ने और उसके कुछ फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा एक काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली एक स्ट्रीट डॉग था यहाँ पर नीचे, उसे छोटा सा बच्चा था, उसको ना दूसरे किसी स्ट्रीट डॉग ने, यहाँ पे हमारे काली रंग की बिच है, उसने उस बच्चे को काट लिया था। तो जहाँ पे उसको काटा ना उस जगह पे उसके बहुत घाव हो गया और कीड़े पड़ गए थे, तो बच्चों ने क्या किया ना उस घाव के ऊपर में डिटॉल डाला है। तो देखो होपफुली डिटॉल डालने से शायद ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर एक डॉक्टर हैं मैंने पेट डॉग्स के, तो ये लोग अब डिसाइड किए हैं कि कल कोई एक दो बच्चा कोई जा करके वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेकर के लोग आएंगे, और ये लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके लोग खुद से ही कर रहे हैं। तो मुझे ही बहुत सही लगा, उसके पे स्ट्रीट डॉग्स है इनकी बेचारों की कोई केयर भी नहीं करता है। तो अगर बच्चे इस तरह से अभी से ही थोड़ी सी बच्चों के मन में ना कहते हैं मैंने इमोशंस इस तरह के अगर हों तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, ये होना भी चाहिए। तो मैंने उसको बिल्कुल भी ना नहीं कहा, जैसे वो घर पे आया कहता है कि मम्मा थोड़ा सा डिटॉल दे दो उस डॉगी के ऊपर में डालना है, तो उसको थोड़ा डाइल्यूट करके मैंने डिटॉल दिया, तो वो लोग उसके ऊपर डाल के आए हैं उसके घाव के ऊपर। और देखो कल ये लोग जाएंगे और वहाँ से दवाई लेकर के आएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ बच्चों को, क्योंकि ये ना बेस है, यहीं से बच्चे जो है ना अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। और बच्चों के लिए पढ़ाई तो चलो जरूरी है ही, बट उससे भी ज़्यादा जरूरी ये है कि बच्चों में इमोशंस हो और वो एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, वो ज़्यादा जरूरी है। तो अब बज रहे हैं शाम के 5:30 और मेरी गर्मा गर्म चाय बिल्कुल तैयार है। मैंने बनाई है 2 जगह चाय, एक चाय है मेरे लिए और दूसरी चाय है सूरज के लिए, क्योंकि सूरज ट्यूशन से अभी आने ही वाला है और वो इतना दिन भर बेचारा पढ़ाई करते करते थक जाता है कि मुझे उस पर दया आती है। मुझे लगा कि उसके लिए भी चाय बना दूं, तो ये ढक के उसके लिए मैंने चाय रख दी है। तो ये मेरी गर्मा गर्म चाय, बहुत गर्म है, और उसके साथ स्वाली, और क्या चाहिए। बस अब मैं जाऊंगी किचन में, और किचन में मैं बनाने वाली हूँ आज दाल और भिंडी की सूखी सब्जी और रोटी। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में और हम मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।